हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टीचिंग विथ चैप्टर नंबर 3 एनिमल फाइबर्स। ओके सो स्टूडेंट्स, कल मैंने वुल तक डिस्कस कर लिया था, चैप्टर को मेंशन कर दिया था, समझा दिया था आपको। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं वूल यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स। फर्स्ट हमारा वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं सीप। ठीक है, मोस्ट सीप हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर। ठीक है, बहुत सारी सीप्स में दो टाइप्स ऑफ की क्या होती है, हेयर होती हैं। ठीक है, वो हेयर क्या, जो उसके हेयर बोले जाते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, वूल होता है एक्चुअल में। फ्रॉम विच दी वूल इज ऑप्टेन, जिससे हम वूल को ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, द आउटर, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा, ज़्यादा हो गया। हाँ, द आउटर कैरस हेयर इज नोन एज द कैम्प। ठीक है, जो आउटर कैरस होता है, जो आउटर सरफेस होती है हेयर की, वो क्या बोली जाती है, कैम्प बोली जाती है। ठीक है, द फाइन सॉफ्ट अंडर कोट क्लोज द स्किन, जो फाइन सॉफ्ट और अंडर कोटिंग जो होती है हेयर की, जो स्किन के अंदर होती है, इज ट्रू वूल। ठीक है, वो असली वूल होती है। फ्रॉम विच वूल फाइबर इज ऑप्टेंड, जहाँ से वूल फाइबर ऑप्टेंड किया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग हैव एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। ठीक है, कई लोग इसको हेयर को या वूल को फाइंड करने के लिए इसको डोमेस्टिकेट करते पालते हैं। एंड सिलेक्टिव ब्रीदिंग, ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीदिंग हैव एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। ठीक है, और जो सिलेक्टिव ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, उससे बहुत सारे लॉन्ग हेयर को एलिमिनेट अलग कर लिया जाता है, एलिमिनेट कर लिया जाता है। टुडे शीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विथ ट्रू वूल। ठीक है, आज जो शीप हैं वो सिर्फ कवर होती हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विथ ट्रू वूल। ठीक है, सिर्फ ट्रू वूल से, जो बहुत सॉफ्ट और अंडर दी स्किन होती हैं। ठीक है, कैश्मीर गोट देख रहे होंगे आप, बहुत लॉन्ग सींग वाली होती है। ठीक है, द फाइन सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कैश्मीर गोट इज कॉल्ड कैश्मीर। ठीक है, जो फाइन सॉफ्ट और फाइबर्स ऑब्टेन्ड होता है अंडर कोट ऑफ द कैश्मीर गोट। ठीक है, कैश्मीर गोट के अंडर कोटिंग में उसको कैश्मीर बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें अंडर कोटिंग में जो आउटर कवरिंग होता है कैंप बोला जाता है शीप का, इसमें कैश्मीरी बोला जाता है। द आउटर कोट हेयर फाइबर आर क्वाइट कोर्स एंड हाई क्वालिटी कैश्मीर इज ऑप्टेंड बाय डेसरिंग और कॉम्बिंग। कैश्मीर गोट्स आर फाउंड ओनली इन माउंटेन्स रीजन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ठीक है, जो कैश्मीर गोट्स होती है वो फाउंड कहाँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैश्मीर गोट्स आर फाउंड ओनली इन माउंटेन रीजन्स ऑफ चाइना, चाइना के माउंटेन रीजन्स में और तिब्बत। ठीक है, अब आता है अंगूरा रैबिट। अंगूरा रैबिट, सॉफ्ट वाइट फाइबर कॉल्ड अंगूरा वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम दी अंगूरा रैबिट। स्टिफ लॉन्ग गार्ड हेयर ग्रोइंग थ्रू द सॉफ्ट कोट हैव टू बी रिमूव्ड बिफोर द फर फ्रॉम दीज रैबिट्स इज कॉम्ब्ड आउट। ठीक है, द सॉफ्ट वाइट फर ऑप्टेन इज देन स्पन इन टू यार्न। ठीक है, जो सॉफ्ट वाइट फर होती है उससे ऑप्टेन किया जाता है, इज देन स्पन, उसको स्पन में ही किया जाता है इन टू यार्न, फिर यार्न में एंड दैट इज यूज टू मेक स्वेटर्स, और फिर इससे स्वेटर्स बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है याक। याक आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक जो होता है वो तिब्बत और लद्दाख रीजन्स में फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख भी रही होगी साइड में। ठीक है, यॉक, देयर कोट्स कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्ग कोर्स हेयर एंड एन अंडर कोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की वूल।
ठीक है, द कलर यूजली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, और जो कलर यूजल रेंज होती है उसकी, ये ब्राउन और ब्लैक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैमल, ठीक है। कैमल फ्लीज कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट फाइन अंडर कोट एंड एन ओवर कोट ऑफ लॉन्ग कोर्स हेयर, ठीक है, दैट ग्रोज अप टू 5 इंचेस लॉन्ग, जो कितने बढ़ सकते हैं ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे इसके हम्प में, ठीक है, 5 इंचेस तक लॉन्ग हो सकते हैं। कैमल वुल इज कंसीडर्ड अ हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट, कैमल जो वूल जो होता है वो हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट्स कंसीडर्ड करता है। इट हैज़ एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये थर्मल एक्सीलेंस इंसुलेशन प्रॉपर्टी को कंसिस्ट भी करता है। ओके, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो निसंकोच बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो बाय, टेक केयर।